उसका खर्चा वो आता है। अब ये सारा का सारा खर्चा हरियाणा सरकार तुरंत प्रभाव से वो लागू हो गया है। हरियाणा प्रदेश के किसी भी हॉस्पिटल में अब व्यक्ति को ये खर्च नहीं उठाना पड़ेगा, हरियाणा सरकार इस खर्च को वहन करेगी। ये मैंने सबसे पहले निर्णय लिया है और उसके तुरंत बाद हमारी कैबिनेट की बैठक थी। हमारी ये भारतीय जनता पार्टी की तीसरे टर्म की सरकार, लगातार मैं हरियाणा प्रदेश के जन का दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने तीसरे टर्म के अंदर बड़े मैंडेट के साथ, बड़े बहुमत के साथ तीसरी बार मोदी जी की नीतियों के ऊपर मुहर लगाई है। हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में ईमानदारी से लोगों के हित में काम किए हैं। विपक्ष ने जिस प्रकार का एक वातावरण, एक नैरेटिव सेट किया, मैं हरियाणा प्रदेश के लोगों का दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि जो वो नैरेटिव विपक्ष ने खड़ा किया था उसको धराशाही करने का काम हमारी हरियाणा प्रदेश की जनता ने किया है, उसका जवाब दिया है। क्योंकि हमारा किसान हमारे लिए सम्मानित है, हमारा युवा हमारे लिए सम्मानित है, हमारे प्रदेश की नारी हमारे लिए सम्मानित है, हमारे प्रदेश का जो गरीब व्यक्ति है उसका सम्मान करना हमारी सरकार का दायित्व है। मुझे खुशी है कि ये सरकार को जो चुना है ये गरीब व्यक्ति के द्वारा चुनी गई सरकार है। ये हमारे प्रदेश के अंदर, प्रदेश के 2,80,00,000 लोगों ने इस सरकार को चुना है। मैं सभी का दिल से आभार भी व्यक्त करता हूं। परंतु इस सरकार के चुनाव में जो भूमिका रही है वो भूमिका इस प्रदेश के जनमानस की बड़ी भूमिका रही है। मैंने जैसा कहा भी है कि कांग्रेस ने इस प्रकार का नैरेटिव, इस प्रकार का भ्रम लोगों के अंदर खड़ा किया था कि ये सरकार कोई काम नहीं कर रही है, ये सरकार जा रही है, किसानों को भड़काने का काम किया। वो सारा का सारा उनका जो कृत्य थे वो सामने आ रहे हैं, उन्हीं के बीच में से ही लोग उस बात के ऊपर क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। कहीं ना कहीं युवाओं को अविश्वास में धकेलने का काम कांग्रेस ने किया। हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों को भी यूज किया। जो हमारे खिलाड़ी हैं, हमारे गौरव हैं, हरियाणा प्रदेश का गौरव है, जो इस देश का भी गौरव है, जो इस देश को सम्मान दिलाने का काम करते हैं, कांग्रेस ने उन खिलाड़ियों को भी यूज किया है। किसान को भी कांग्रेस पार्टी ने भ्रामक स्थिति के अंदर डालने का काम किया है। युवाओं को किस प्रकार से उन्होंने पर्ची खर्ची बांटने के आधार के ऊपर अपनी बातें कही हैं, गरीब को लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी लॉलीपॉप देती रही, उनके हित में जो मजबूत काम पिछले 10 वर्षों में हमारी डबल इंजन की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में किया है वो ऐतिहासिक काम किए हैं। और जब सरकार 10 साल पूर्ण करती है और 10 साल पूर्ण करने के बाद जब हम जनता के बीच में वोट के लिए जाते हैं तो हरियाणा प्रदेश की जनता ने खुल करके मोदी जी की नीतियों का समर्थन किया है, उनके ऊपर मुहर लगाई है और कांग्रेस के उस नैरेटिव को धराशाही कर किया है। चाहे उन्होंने किसान का मुद्दा उठाया है, चाहे उन्होंने खिलाड़ियों का मुद्दा उठाया है, चाहे उन्होंने गरीब का मुद्दा उठाया है, सभी मुद्दों के ऊपर कांग्रेस के उस नैरेटिव को, क्योंकि वो झूठ का
एक प्रोपगंडा खड़ा किया था। उस प्रोपगंडे को 5 तारीख को कमल के बटन के ऊपर मोहर लगा करके हरियाणा के लोगों ने वो जवाब देने का काम किया है। मैं दिल से हरियाणा के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं, उनको प्रणाम भी करता हूं। और जैसा मैंने कहा है कि हमारा जब मैंने ये फैसला लिया डायलिसिस का, उसके तुरंत बाद हमारी कैबिनेट की बैठक थी। कैबिनेट की बैठक के अंदर ये पहली हमारी कैबिनेट की बैठक थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का हमारी कैबिनेट ने वो सम्मान किया है, जो एससी में वर्गीकरण का मामला था वो तुरंत उस माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सम्मान देते हुए हमने ये फैसला किया है कि जो वर्गीकरण के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आज से ही लागू करने का फैसला हमने लिया है। हमने जो हरियाणा प्रदेश के अंदर प्रोक्योरमेंट धान की चल रही है उसके ऊपर भी हमने पूरा रिव्यू किया है। और मैं बताना चाहता हूं कि अब तक हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो प्रोक्योरमेंट हुआ है, बैठक में ये व्यापक चर्चा हुई है कि अन्नदाता की फसल का एक एक दाना एमएसपी के ऊपर खरीदने का काम हमारी सरकार करेगी, प्रतिबद्ध है। हम एक एक दाना खरीदने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमने ये कहा है कि 17% से नमी धान के हर दाने को खरीदने का काम एमएसपी के ऊपर हमारी सरकार कर रही है। कोई भी ऐसा किसान, हमने ये आदेश आज दिए हैं कि 17 मॉइस्चराइजर से कम, 17 या 17 से कम कोई भी ढेरी मंडी में दिखाई नहीं देगी, उसको हर रोज परचेज करने का काम किया जाएगा। अगर उसके अंदर नमी ज्यादा है तो नमी ज्यादा के लिए उसका थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और इस चालू खरीफ सीजन के अंदर 17 अक्टूबर तक मंडियों में हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर कुल 27,45,128 मीट्रिक टन धान की आवक हुई है। और इसमें से हमने 23,21,682 मीट्रिक टन धान की खरीद एमएसपी पर की है। अब तक 11,50,673 मीट्रिक टन का उठान भी हुआ है, लगातार उठान भी चल रहा है, क्योंकि आजकल मशीनी युग है। मशीनी युग के कारण, क्योंकि पहले तो एक एक महीने का सीजन होता था और अब मशीनी युग के कारण किसान कंपेन खेत में लगाता है, 1 घंटे के अंदर मंडी में पहुंचा देता है, तो दबाव तो आता है, उस दबाव को भी हम सहन कर रहे हैं और धीरे धीरे करके उसके ऊपर काबू पा लिया जाएगा। मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं, हरियाणा प्रदेश के किसानों को मैं स्पष्ट रूप से ये आग्रह करना चाहूंगा कि एक एक दाना एमएसपी पर खरीदा जाएगा, कोई किंतु परंतु नहीं है। हमारी सरकार एक किसान हितैषी सरकार है, किसान के हित में कदम उठाने वाली सरकार है। और हम, क्योंकि कई बार जैसे दबाव आता है, उस दबाव को किसान भी हमारा समझ रहा है, हम भी समझ रहे हैं, क्योंकि एकदम पूरा दबाव बनता है, फिर जहां जगह किसान को मिलती है धान वहां डाल देता है, क्योंकि काफी संख्या में आता है, परंतु उसको हम धीरे धीरे करके काबू पा रहे हैं, इस बात को सभी समझ रहे हैं। मुझे ये भी बताते हुए आपके माध्यम से कि हमने अब तक किसानों के खाते में धान की खरीद के 3,056 करोड़ रुपए उनके खाते के अंदर सीधा पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। और चालू जो खरीफ की सीजन 17 अक्टूबर तक मंडियों में जो हमारा बाजरे की खरीद थी, क्योंकि बाजरे की भी ही खरीद चल रही है, अब तक हमने 3,44,000 मीट्रिक टन
बाजरे की आवक आय मंडियों के अंदर आई है। इसमें से 2,70,983 मीट्रिक टन बाजरे की खरीद की जा चुकी है। अब तक 93,964 मीट्रिक टन बाजरे का उठान भी कर लिया गया है। अब तक किसानों के खाते में बाजरे की खरीद का पैसा 331 करोड़ रुपए भी डाला जा चुका है। मुझे ये बताते हुए आपके बीच में कि इसी प्रकार हर क्षेत्र और हर वर्ग की जरूरतों के अनुसार नए निर्णय लिए जाएंगे और जो योजनाएं वे कार्यक्रम पहले से चल रहे हैं उन्हें भी नॉन स्टॉप आगे बढ़ाने का कार्य गति से किया जाएगा। ये हमारी सरकार का संकल्प है। हमारी सरकार को जिस उम्मीद के साथ यह जनसेवा की जिम्मेवारी सौंपी गई है हम उस पर खरा उतरने का भरसक प्रयास करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन, उसकी गारंटी और सुशासन हमारी सरकार का मूल मंत्र होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि विकसित भारत के संकल्प में हरियाणा की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण होगी। सब वर्गों का हित सुरक्षित रखने वाली नीतियां और कार्यक्रम मुझे विरासत में मिले हैं। मैं सभी हरियाणा वासियों को अपना परिवार मानते हुए हरियाणा में खुशहाली के और नए रंग भरने के लिए कृत संकल्प हूं। शासन प्रशासन के कार्यों में हमारे लिए श्री रामचरितमानस में लिखी गई यह चौपाई आदर्श होगी। दैहिक देव की भौतिक तापा, दैहिक देव की भौतिक तापा, राम राज्य काहू नाही व्यापा। अर्थात राम राज्य में मनुष्य शारीरिक सांसारिक और दैविक परेशानी से मुक्ति होता है। हमने आज जैसा मैंने कहा है कि हमने एक बड़ा फैसला जो किडनी का लिया है उसके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लोग लाभान्वित होंगे उसके अंदर। देखिए लगभग काफी लोग हैं क्योंकि जब मैं सांसद था मेरे पास लोग आते थे और ये बात बोलते थे कि सांसद जी आप डॉक्टर को फोन कर दें मेरा इलाज फ्री में हो जाएगा। मतलब काफी उसके अंदर 20,000 के करीब में हरियाणा तो और क्योंकि हमारी सरकार जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की नीतियां हैं मैंने कहा है कि ये सरकार हरियाणा प्रदेश के आम जनमानस गरीब व्यक्ति ने इसको प्राथमिकता के आधार के ऊपर चुना है और आने वाले 5 वर्षों में हमारी सरकार मोदी जी की नीतियों का अनुसरण करते हुए जो आदरणीय मोदी जी ने ज्ञान की बात कही है गरीब युवा अन्नदाता और नारी के सशक्तिकरण के लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है। हमने लगातार हरियाणा प्रदेश के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार देने का काम किया है। मैंने ये भी चुनाव चलते समय में संकल्प लिया था क्योंकि हमारे जब मुझे ये जिम्मेवारी पीछे मिली थी आदरणीय मोदी जी आदरणीय नड्डा जी आदरणीय अमित शाह जी आदरणीय ठाकुर राजनाथ सिंह जी आदरणीय मनोहर लाल जी जिन्होंने मुझे एक विश्वास करके ये पद की जिम्मेवारी दी थी। मैंने तब कहा था कि मैं हरियाणा में 50,000 नौकरियां दूंगा। मैंने लगभग पूरा प्रयास करके 15,000 युवाओं को अपॉइंटमेंट ज्वाइनिंग लेटर दिया। 25,000 के हमारे रिजल्ट तैयार थे।
और वो प्रक्रिया ये नहीं थी कि इलेक्शन को देख करके वो तुरंत की थी, वो सतत प्रक्रिया थी, वो चल रही थी, क्योंकि उसके अंदर रिजल्ट तैयार हो रहे थे, रिजल्ट निकल रहे थे, युवाओं को सम्मान मिल रहा था, बिना पर्ची बिना खर्ची के मिल रहा था। परंतु जो कांग्रेस युवाओं के हित की बात करती थी, क्योंकि उसने कभी की तो है नहीं है, कभी युवाओं के हित में तो सोचा नहीं है कांग्रेस ने, अगर वो सोचती है, इसको भी बिजनेस के रूप में देखती थी भी सरकारी नौकरी के अंदर क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, उसको बिजनेस के रूप में देखती थी भी एक नौकरी के पीछे मुझे कितना लाभ होगा, ये इसको लेकर के वो सोचते थे। परंतु पहली बार हमारी सरकार ने हरियाणा के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं के अंदर एक बड़ा विश्वास वो बनाया है और हम उसके ऊपर कृत संकल्प हैं। मैंने कहा है कि ये सारी की सारी चीजें मुझे विरासत में मिली हैं। आदरणीय मनोहर लाल जी ने संकल्प लेकर के इसको आगे बढ़ाया है, ये निर्णय किया है और ये जिम्मेवारी अब मेरी है कि हम इसको उसी गति से आगे बढ़ाएंगे, बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा के युवाओं को रोजगार देना, ये हमारी सरकार का दायित्व है। और मुझे खुशी है कि जब कांग्रेस ने कोर्ट के अंदर जाकर के चीफ इलेक्शन कमीशन के पास जाकर के उन युवाओं के सपने को धराशाही करने का काम किया, उनके जीवन में अंधेरा डालने का काम कांग्रेस ने किया कि रिजल्ट नहीं निकलेगा, और फिर उन्होंने इस प्रकार की बातें शुरू की कि मेरे हिस्से में इतने आएंगे मेरे हिस्से में इतने आएंगे, उनकी जो भावना मूल भावना समझ में आ रही थी वो ये थी कि जैसे नौकरियां 2014 से पहले भ्रष्टाचार के आधार पर मिलती थी, वो नौकरियां दोबारा फिर उसी आधार के ऊपर मिलनी शुरू हो जाएंगी। ये भय हरियाणा प्रदेश के युवाओं के अंदर था कि कहीं कांग्रेस सरकार जिस प्रकार का नैरेटिव सेट किया था, क्योंकि हमें यह भी मालूम है कांग्रेस की सरकार में माननीय हाई कोर्ट ने लिखित रूप में कांग्रेस के हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो युवाओं को नौकरी देता है उसके बारे में प्रतिक्रिया ये दी, लिखित रूप में कहा, आदेश के अंदर कहा कि ये लाले की दुकान खोल रखी है क्या। इस प्रकार के कोर्ट के कमेंट सरकार के कांग्रेस के प्रति लोगों कि युवाओं के अंदर यही भय था, परंतु हरियाणा प्रदेश के लोगों ने एक बड़ा विश्वास वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के ऊपर किया, बड़ा मैंडेट दिया और हमने तुरंत जो मैंने कहा था कि मैं सख्त बाद में लूंगा, पहले युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर दूंगा, आज मैंने भी ज्वाइन किया है, आज 25,000 युवाओं ने भी ज्वाइन किया है, ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, जो हमने कहा उसको पूरा किया है। और हमारी सरकार गरीब कल्याण को समर्पित रहेगी, अन्नदाता के विकास और समृद्धि के लिए काम करेगी तथा नारी शक्ति को और मजबूत करने का काम करेगी। मैं एक बार फिर से आज आपके माध्यम से ऐसे लोगों को चेतावनी देता हूं जो आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहते हैं, वे या तो प्रदेश छोड़ दें या फिर सुधार कर लें, नहीं तो सुधार हम कर देंगे, पहले भी कहा था सुधार कर देंगे। मैं ये स्पष्ट रूप से आज आपके माध्यम से ऐसे लोगों को चेतावनी दे रहा हूं, क्योंकि हमारी सरकार का कमिटमेंट है, हमारी सरकार का संकल्प है कि हर व्यक्ति को की रक्षा सुरक्षा वो आगे बढ़े, ये हमारी भावना है। गति से प्रदेश विकास की ऊंचाइयों के ऊपर जाए उसको लेकर के हम काम कर रहे हैं। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि अभी मैंने कहीं जाना है,
और क्वेश्चन शायद मैं ना लिख पाऊं। सर, पहले तो आपको शुभकामनाएं। थैंक यू। सवाल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का एक नोटिफिकेशन आया है कि पराली अगर कोई भी किसान जलाएगा तो दो सीजन तक उसकी फसल नहीं खरीदी जाएगी, FIR बिलोंग। नहीं नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है। हमने कहा है हमारा हरियाणा का किसान बहुत ही प्रबुद्ध जन है और मैं तो हरियाणा के किसानों को बधाई भी देता हूँ। इसलिए बधाई देता हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारे किसानों की प्रशंसा की है और मैंने आज भी इस बात को कहा है कि हमारे किसान अगर